आप अपने लाइफ में कभी ना कभी तो मोबाइल खरीदे ही होंगे। यदि आप जब भी मोबाइल खरीदते होंगे गोल्फ कंपनी का, तो आपको एक उसके जो कैप होता है उसमें एक आपको कूपन मिलता है। यदि उस कूपन को आप लेकर यदि उस शॉपकीपर के पास जाइएगा तो वहाँ से उस पर जितना अमाउंट लिखा होगा उतना आपको मिल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे उस अमाउंट को अपने से ही उसको रिडीम कर ले अपने पेटीएम या फोन पे, गूगल पे, पेपल, अमेजन पे, इन सब में यदि आपको करना है तो आप कर सकते हैं। सिंपल सा आपको आज इसमें एक ऐप्स के बताया जाएगा जिससे कि आप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आपको शॉपकीपर के पास जाना भी ना पड़ेगा और आपका जो अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाए। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल सा आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा गोल्फ मास्टर स्कैनर ऐप। इसको हम डाउनलोड कर लिए हैं, आप भी डाउनलोड करके इसको ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड से। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को डाल देंगे और साइन इन कर देंगे। यहाँ पे आपको इसका इंटरफेस आपको इस प्रकार का दिखेगा। जो आपके पास जो कार्ड मिला हुआ है, जो कूपन, आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं या उसके नीचे जो नंबर दिया हुआ है उसको भी, जो 12 डिजिट का है उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपल सा यदि आपको स्कैन करना है तो स्कैन भी कर सकते हैं या 12 डिजिट का जो कोड है उसको भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। सिंपल सा उसको हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपको 15 पॉइंट्स आपको मिल चुका है। यहाँ से आप रिडीम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप रिडीम नाउ पर क्लिक करके रिडीम भी कर सकते हैं। सीधा हम लोग बैक चलते हैं, आपके अकाउंट में सक्सेसफुल हो चुका है। और हम लोग अब जानेंगे यहाँ से अपने पेटीएम या फोन पे, गूगल पे में कैसे डाल सकते हैं जो अमाउंट आपको मिला हुआ है। यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ पर आपको रिडीम नाउ का ऑप्शन एक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। थोड़ा समय लेगा इसको लोडिंग होने में। यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, हम UPI को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पेटीएम जो दिया हुआ है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन दिया हुआ है, पहले यहाँ पे आपको रिडीम का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको कितना रिडीम करना है यहाँ पर उस अमाउंट को इंटर कर देंगे। फिलहाल 15 रुपीज़ का है तो मैं 15 रुपीज़ डाल देता हूँ। उसके बाद अपना UPI ID को यहाँ पर इंटर कर देना है। UPI ID आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपके पेटीएम में। यहाँ पे अपना UPI ID डाल देने के बाद आपको नीचे के साइड में सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। जो आपके मोबाइल पे जो नंबर से आपका लिंक होगा पेटीएम, उस पर आएगा। यहाँ पर हम OTP को इंटर कर देंगे। उसके बाद हम कॉन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कॉन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद आपके पेटीएम में आपका पैसा डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आप पेटीएम को ओपन कर लेंगे और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 15 रुपीज़ का जो रिडीम किए थे वहाँ यहाँ पर आ चुका है। तो सो गाइस, इस तरह हम लोग किसी भी कूपन को कन्वर्ट करते हैं रुपी में। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।